अरे अरे ये क्या हो गया, मेरा सारा का सारा खाना कहाँ चला गया। अरे कैसे, मैंने सुबह सुबह अपने लिए खाना ऑर्डर किया था, 2 बर्गर और 2 हॉट डॉग और उनके साथ कोल्ड ड्रिंक भी, वो खाना डिलीवर हो गया था, मैंने इधर बेड पर रखा था और मैं नहाने क्या गया, ये सारा का सारा खाना ही गुम हो चुका है। और मुझे पक्का पता है किसने चोरी किया है मेरा खाना, शिनचैन। वो शिनचैन के बच्चे ने मेरा सारा का सारा खाना चुरा लिया, पर वो मुझे मिल भी नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया ये शिनचैन। शिनचैन, अबे शिनचैन के बच्चे मेरा खाना दे दे, कहाँ छुप गया, मेरा खाना दे दे। फेंकी भैया के सारा का सारा खाना मेरे पास है, आज तो मेरी पार्टी होगी, 4-4 कोल्ड ड्रिंक, 2-2 हॉट डॉग, 2-2 बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, ये तो बहुत ही खतरनाक है, मैं सबका सब खाऊंगा और फेंकी भैया तो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगी। अरे शिनचैन मेरा खाना दे दे, भूख लग रही है, चौक के घर के तो नहीं घुस गया। शिनचैन कहाँ पर है तू? फ्रेंकी भैया आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी और मैं आपका सारा का सारा खाना भी खा जाऊंगा, आज तो बहुत मजा आने वाले, चलो फटाफट से स्टार्ट करते, सबसे पहले बर्गर खाएंगे। तुझे क्या लगा शिनचैन, तू मेरा सारा का सारा खाना खा लेगा और मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे विक्की मैं, आप यहाँ पर कैसे आ गए? वो सब छोड़, तूने मेरा खाना कैसे चुराया? मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला शिनचैन, आज मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे विक्की मैं, बाहर कोई आ गया, बाहर कोई आ गया। अरे शिनचैन तू तो बच गया, कोई बाहर आ चुका है वरना मैं तुझे छोड़ता नहीं। अभी कौन आ गया यार, रुक जाओ, अभी 2 मिनट शिनचैन रुक, मैं देखता हूँ कौन है, फिर मैं तुझे मारूंगा, मेरा बर्गर चुराता है, 1 सेकंड। अरे ये क्या, ये तो ऐश भैया, और ये पिकाचू को क्या हो गया? अरे ऐश पिकाचू क्या हो गया तुमको? अरे फ्रैंकलिन हमारी मदद करो फ्रैंकलिन। अरे क्या हो गया बताओ सरी, और ये पिकाचू यहाँ पर सो कर रहा है? फ्रैंकलिन ये पिकाचू सो नहीं रहा है, इसकी हालत बहुत खराब है और ये मरने वाला है फ्रैंकलिन। क्या मरने वाला है? अरे क्या हो गया इसको? अरे फ्रैंकलिन हमारे वर्ल्ड पाल वर्ल्ड में एक खतरनाक सा मॉन्स्टर आ चुका है और वो पूरे पाल वर्ल्ड को खत्म कर रहा है। अरे पाल वर्ल्ड तो वही है ना जहाँ पे तुम सारे पोकेमॉन्स के साथ रहते हो? हाँ फ्रैंकलिन वो वही जगह है, और फ्रैंकलिन वो मॉन्स्टर पूरा का पूरा पाल वर्ल्ड खत्म कर रहा है। मैं अपने पिकाचू के साथ उसे खत्म करने गया था पर उसने पिकाचू की हालत बहुत खराब कर दी फ्रैंकलिन। अरे ये क्या हो गया पिकाचू को? अरे पर तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? फ्रैंकलिन मेरा पिकाचू तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है उसके सामने, इसलिए मैं तुम्हारे मदद मांगने आया हूँ, तुम जाओ पाल वर्ल्ड में और उस मॉन्स्टर को हराओ। अरे पर मैं कैसे उसको हरा सकता हूँ, मेरे पास तो कोई पोकेमॉन भी नहीं है। फ्रैंकलिन तुम्हारे पास पोकेमोन नहीं है, इसका मतलब यही सही टाइम है पाल वर्ल्ड में जाके तुम्हारी पोकेमोन जर्नी स्टार्ट करने का और उस खतरनाक से मॉन्स्टर को हराने का। अरे हाँ यश भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम पाल वर्ल्ड में जाके उस मॉन्स्टर को हराएंगे। अबे शिनचैन क्या बोल रहा है, वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फ्रैंकलिन प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज फ्रैंकलिन। अरे पर पिकाचू को क्या होगा? पिकाचू को मैं लेकर जाऊंगा लॉस सैंटोस के हॉस्पिटल में, उसका इलाज करवाऊंगा पर ये शायद ही बच पाएगा, पर तुम्हें पिकाचू का बदला लेना पड़ेगा फ्रैंकलिन, और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स का जो उस मॉन्स्टर ने मार दिए। जाओ फ्रैंकलिन ये पाल वर्ल्ड पोर्टल, इसमें जाकर तुम सीधा पाल वर्ल्ड में पहुंच जाओगे फ्रैंकलिन। जाओ फ्रैंकलिन पिकाचू और बाकी सारे पोकेमॉन्स को तुम्हारी मदद की जरूरत है फ्रैंकलिन। अरे काइजर लगता है हमें पाल वर्ल्ड को बचाना ही पड़ेगा। अरे हमें की में बचाना ही पड़ेगा, तो चलो काइजर फटाफट से चलते हैं इस पोर्टल में और हम सीधा पहुंच जाएंगे पाल वर्ल्ड और उस मॉन्स्टर को हराएंगे, चलो। अरे ये लोग कौन है? अबे ये शिनचैन ये कौन है? अरे विक्की मैं ये तो पोकेमोन है। भागो भागो भागो, अरे ये कहाँ गया मैं, ये कौन सी जगह है, ये क्या है यहाँ पर? अरे विक्की मैं लगता है पाल वर्ल्ड में आ गए, चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं। और गाइस अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं द पाल वर्ल्ड में जहाँ से ऐश और पोकेमोन आए थे, और ये क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह लग रही है। आखिरकार हम पाल वर्ल्ड में आ गए, पता नहीं कौन से पोर्टल में घुसे थे कहाँ निकले, पर अभी हम फिलहाल पाल वर्ल्ड में आ चुके हैं। और ये क्या, यहाँ पर तो आते ही मुर्गी मिल गई, रुक जाओ लकड़ी से इसको मारते हैं, तेरी तो ऐसी की तैसी ये ले। अरे विक्की मैं उसको मारा क्यों, मुर्गी पीछे पड़ गई। अबे ये तो मुर्गी पीछे पड़ गई, भागो 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 भागो। और एक कैसर इस मुर्गी का नाम है चिकी पी और ये हमारे पीछे पड़ चुकी है। अरे भागो यार ये तो मेरे जलसे ही पीछे पड़ गई, रुक जाओ लगता है इसको मारना पड़ेगा, तेरी तो ऐसी की तैसी ये ले ये ले ये ले, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हमने अपनी सबसे पहली मुर्गी को मार दिया, मतलब ये मुर्गी नहीं है तो एक पोकेमोन ही, पर लगता है इसके पास कुछ पावर वावर नहीं थी तो अभी हमने इसको मार दिया। तो देखते हैं और इस वर्ल्ड में क्या क्या हमें मिलने वाला है। और यहाँ पर एक और मुर्गी, अरे इसकी दोस्त को मैंने मारा, ये मुझे क्यों मारने लग गई? और ये कौन है, इसके पास तो गन भी है, बहुत बढ़िया आंटी पूरा खत्म कर दिया एक ही बारी में। हेलो आंटी कैसे हो? तुमको यहाँ पर
अरे डरा क्यों रही हो यार, कोई अच्छा नहीं बोल सकते, डराना तो ना होता है। तो गाइज़र देखते हैं हमें इस वर्ल्ड में करना क्या क्या है। ऐश ने मुझे दो तीन चीजें बताई थी, हमें अपना खुद का एक बेस बनाना पड़ेगा और उसके बाद और हम अपने पोकेमॉन्स भी पकड़ सकते हैं। तो पोकेमॉन पकड़ने से पहले हम थोड़ी लकड़ी वकड़ी जमा कर लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो गाइज़र अभी आप देख सकते हो ये वर्ल्ड तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, हर जगह पोकेमॉन्स ही पोकेमॉन्स घूम रहे हैं। पर गाइज़र यहाँ पर एक खतरनाक सा मॉन्स्टर भी है, उसको याद रखना। पर अभी हम अपने लिए थोड़ा सामान बनाने वाले हैं, हमें यहाँ पर अपने लिए टेबल बनानी पड़ेगी, अपने लिए पिकैक्स और एक एक्स और ये कि मारने का सामान भी चाहिए, और हमें एक पोकी बॉल भी बनानी है ताकि हम अपने लिए पोकेमॉन्स पकड़ सके। ये जो चिकन और भी दो तीन मुझे पोकेमॉन अभी यहाँ पर दिखे हैं, उन सबको हमें पकड़ना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए हमें बहुत सारा सामान। तो फटाफट से इस वुड पे मारते हैं मुक्के ताकि हमें मिल सके वुड, और फिर हम उस वुड से बना पाए अपने लिए पिकैक्स और ये बाकी सब चीजें, और हमें थोड़ा सा स्टोन भी चाहिए होगा। तो फटाफट से ये सारा का सारा सामान जमा करते हैं। यहाँ पर हमें एक वुड मिल गया। हेलो शीप, कैसी हो? हेलो पिशुम भागो, ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। देखो दो दो शीप मेरे पीछे पड़ गई, भागो 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 जल्दी भागो। ये ताकतवर तो है पर थोड़ी सी डंप भी है, ये बार बार पता नहीं कहाँ चली जाती है, इधर उधर गिर जाती है, इनको खुद को ही समझ नहीं आता। चलो अपन फटाफट से सामान जमा करते हैं, स्टोन और वुड। तो गाइज़र अभी हम सामान जमा कर रहे हैं और बीच बीच में हमें खतरनाक से पलेडियम फ्रैगमेंट भी मिल रहे हैं, इससे हम अपनी लगता है पोकी बॉल बना पाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पर निकालते हैं इसको, बनाते पहले हमें इसको बिल्ड करना पड़ेगा, इसको फटाफट से बिल्ड करते हैं। एकदम रियलिस्टिक एनिमेशन यहाँ पर आ रही है और इसमें जाकर हम यहाँ पर बना सकते हैं अपने लिए एक पोकी बॉल। पोकेमॉन बनाए कि सबसे पहले सामान बनाए? चलो सबसे पहले हम बनाएंगे ये जो कि पोकेबॉन्स को मारने के काम आएगा, क्योंकि अगर हमें उन्हें पकड़ना है तो हमें उनको थोड़ा कमजोर करना पड़ेगा वरना वो हम पर हमला करेगी। तो ये तो हमारा बन गया। और ये क्या, वुड ही खत्म हो गया? मैंने सोचा मेरे पास बहुत सारा वुड था, स्टोन तो हमारे पास बहुत सारा मिल रहा है, पर वुड हमें पूरा का पूरा तोड़ना ही पड़ेगा। फटाफट से इसको तोड़ते हैं और मुझे वहां पर लगता है वुड दिखाई दे रहा है। ओके वुड यहाँ पर तीन तीन मिल चुका है, अब मैं अपने लिए एक पोकी बॉल बना सकता हूँ। तो फटाफट से कर देते हैं इसको स्टार्ट प्रोडक्शन और इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो गाइज़र हमारी सबसे पहली पोकी बॉल यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हो एक पोकी बॉल हमारे पास आ चुकी है। तो सबसे पहला हम पोकेमॉन पकड़ेंगे और मुझे दिख रहा है मैं क्या पकड़ने वाला हूँ। चलो चुपचाप से चलते हैं। ये ले तेरी तो ऐसी की तैसी, इसको मैं पकड़ के रहूंगा, इसको निकालते हैं। ये ले आजा मेरे पास। और गाइज़र आप देख सकते हो सबसे पहला पोकेमॉन हमने पकड़ लिया, अब इसको लेना कैसे। और गाइज़र हमें अपना सबसे पहला पोकेमॉन मिल चुका है जो की है ये बकरी नहीं चिकन, इसका नाम है चिकपी। चिकपी चिकपी इधर आओ, चिकपी चिकपी इधर आओ। और गाइज़र ये हमारे पीछे हर जगह आने वाली है। चलो अभी हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टोन पिकैक्स और एक एग्स ताकि हम और भी सारा सामान तोड़ पाए और अपने लिए एक बेस भी बना पाए। तो फटाफट से सारा का सारा वुड उठा लेते हैं। तो गाइज़र आपको पता है हमारा मेन गोल क्या है, रुक जाओ पहले ये बहुत ही इधर-उधर कूद रही है, इसको अपने पास बुला लेते हैं। हमें उस खतरनाक से मॉन्स्टर को हराना है। और ये क्या, ये भी कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, इसको भी पकड़ेंगे, टेंशन मत लो। पहले अभी हमें चाहिए वुड बहुत सारा और स्टोन भी बहुत सारा। चलो फटाफट से ये सब का सब उठा लेते हैं। और ये कहां भागे जा रहा है, अबे नहीं पकड़ रहा मैं तेरे को, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो फटाफट से चलते वापस अपनी टेबल पर और अब और भी चीजें बनाते हैं। और यहाँ पे जाएंगे हम बनाएंगे यहाँ पर अपनी पिकैक्स, फटाफट से इसको बनाएंगे। रुक जाओ मुझे पता चला था हमारा जो ये चिकपी है ना वो हमारे लिए काम करेगी। ए चल जल्दी जल्दी काम पे लग जा, आजा आजा फटाफट काम कर। अबे काम क्यों नहीं कर रही, अबे लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। अबे ये काम वाम नहीं करती क्या, मुझे लगा ये काम करेगी इसलिए तो मैंने इसको बनाया था। अब हमें एक स्टोन एक्सपी और चाहिए, तो फटाफट से इसको बनाते हैं। अबे काम कर चुपचाप, अबे ये तो टाइम पास कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। ये देख मैं काम कर रहा हूँ, आजा आजा आजा। अरे नहीं आ रही भाई, ये तो हमारा कुछ काम नहीं कर रही, मैंने इसको बनाया ही इसलिए था ताकि हमारा काम कर सके। तेरी तो ऐसी की तैसी, मारू क्या देखो। तो अभी मुझे एक और पोकी बॉल चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वुड चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पर फटाफट से वुड उठा लेते, दो वुड मिल गए, क्या हम बना सकते हैं एक और पोकी बॉल? अरे एक और चाहिए, अबे कम से कम तू वुड तो ला दे, ये तो कुछ भी काम नहीं कर रही यार। तो कैसे फटाफट से अपन लकड़ी तोड़ना शुरू करते, यहाँ पर बहुत सारी लकड़ी मिल रही है एक से और ये कुछ काम नहीं कर रही, बस इधर उधर फुद के जा रही है। कोई बात नहीं, ये पोकेमॉन लगता है कुछ काम का नहीं है, पर अभी तो ये सिर्फ ये शुरू शुरू के पोकेमॉन है, इसके बाद हमें और भी ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन्स मिलेंगे। तो फटाफट से इसको बना लेते हैं, तो कुछ काम नहीं करी, मैं तेरे को मार दूंगा। तो अभी हमें एक और पोकेमॉन मिल चुकी है और रात भी यहाँ पर होने लग गई है, तो हमें और भी चीजें अपने लिए बना लेनी चाहिए। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर 11 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स है और यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमें बेड भी बना सकते हैं और ये पता नहीं क्या चीज है, ये गेम बोल रहा है बनाने की, तो बनाना पड़ेगा।
फटाफट से इसको हमने बना दिया। और यहाँ पर क्या है, अभी हमने सिर्फ 3 पोकेमॉन हमारे पास अनलॉक है। और यहाँ पर देखो कितनी बड़ी लिस्ट है, इसमें हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और कैसर अभी यहाँ पर रात हो चुकी है और ये बड़े बड़े पोकेमॉन मुझे दिखने यहाँ पर लग गए, जो कि अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है रात में। और कैसर रात में मुझे ठंड वंड भी लगने वाली है। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर एक अंडा है, तो यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है कि मुझे अपने पोकेमॉन को खिलाना है या फिर खुद खाना है। और ऑब्वियसली मैं खुद ही खाने वाला हूँ, इसको मैं अपने अंदर बुला लूंगा। तो अभी हमने यहाँ पे अंडा खा लिया है। और कैसर अभी बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है मुझे टॉर्च बना लेनी चाहिए थी और मुझे भी स्टोन चाहिए और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। रुक जाओ, स्टोन तो दिख गया यहाँ पर, फटाफट से सारा का सारा स्टोन तोड़ते ताकि मुझे कुछ दिखने लगे और मैं अपने लिए एक बेस बना सकूं ताकि मैं उधर सो सकूं। मतलब अभी तो सिर्फ मुझे एक बेड चाहिए यहाँ पे सोने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर, अपने लिए बनाएंगे एक टॉर्च, स्टार्ट करेंगे फटाफट से टॉर्च बनाते हैं ताकि हमें दिखना शुरू हो सके और मैं ठंड से मर ना जाऊं। चलो फटाफट से बना लेते हैं। और यहाँ पर हमें अपनी टॉर्च भी मिल चुकी है, अब इसको जलाना कैसे वो मुझे पता नहीं। ओके, यहाँ पर हमारी टॉर्च भी जल चुकी है। तो गाइस सर अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, ठंड में मुझे स्टोन चाहिए ताकि मैं अपने लिए बेड और भी बना सकूं, और मुझे थोड़ा सा वुड भी चाहिए। तो थोड़ी सी ठंड लगेगी पर मुझे वुड तो चाहिए, तो करना तो पड़ेगा। ये क्या पेड़ ही टूट गया पूरा का पूरा। अंधेरे में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि सारे के सारे पोकेमॉन सो रहे हैं, बस मुझे ठंड लग रही है वही दिक्कत है। तो फटाफट से यहाँ पर मेरी हेल्थ जा रही है, तो अभी ये निकाल लिया है। और अब हमें बिल्ड करना है ये पेल बॉक्स। और ये पेल बॉक्स कहाँ रखा जाए, अभी तो इधर ही रख देते हैं, बाद में इसको उठा पुटा के कहीं रख लेंगे। तो हम इसको फटाफट से बनाते हैं, उससे पहले अपने यहाँ पर पोकेमॉन को बुलाते हैं और इसको बताते हैं ए चल फटाफट से बना इसको। अब क्या ये भी नहीं करेगा, वे कुछ तो कर ले। फटाफट से इसको यहाँ पर बिल्ड कर देते हैं। ये जो चिकपी है ना, ये कुछ काम की नहीं है। और यहाँ पर अभी हमारा बन चुका है ये खतरनाक सा बेस। अब तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो हमारी बहुत सारी चीजें यहाँ पर खुल चुकी है अपने लिए घर बनाने के लिए। तो फटाफट से अभी अपन जाएंगे, हमें चाहिए एक बेड, उसके लिए चाहिए वुल, और हमें साथ में चाहिए ये बहुत सारी लकड़ियां। तो लकड़ियां तो मेरे पास लगता है मेरे पास है अच्छी खासी, जिससे मैं ये जमीन तो बना ही दूंगा। तो यहाँ पर हमने जमीन तो बना दी और हमें यहाँ पर एक वॉल भी चाहिए होगी और साथ में हमें चाहिए ऊपर की रूफ। तो फटाफट से रूफ भी बना देते हैं। तो गाइसर अभी आप देख सकते हो हमारा ये सब काम हो चुका है। यहाँ पर भी वुडन वॉल लगाएंगे, यहाँ पर वुडन डोर लगेगा और यहाँ पर लगेगी वुडन वॉल विथ विंडो। पता नहीं क्यों लगाया मेरा टेम्पररी बेस है। एक सेकेंड, मेरे पास बेड के लिए सामान तो है ही नहीं, मुझे चाहिए होगी वूल और वो मिलेगी पता नहीं कहां पर। मुझे वो शीप जैसे दिखने वाले पोकेमॉन्स को ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो लगता है मैं आज ही रात मर जाऊंगा, इतनी ठंड में मुझे घुमा रहे हो। अबे क्या चाहिए तेरे को, एक तो इधर आ। इसको फटाफट से अपने जेब में डालते हैं और वो वूल ढूंढते हैं। रुक जाओ, मुझे वहां पर दिख रही है लैंप बॉल, इसको फटाफट से हमें मारना पड़ेगा। सॉरी वूल, ये ले इसको फटाफट से मारते हैं। भचीड़े निकल, ये ले, इसको तो हमने पूरा का पूरा जला ही दिया। अबे तेरी मर जाना क्या है इसको। अरे कैसे मुझे ठंड लगने लग गई इसको मारने के चक्कर में, मर जा जल्दी से। और यहाँ पर मुझे 3 वुल मिल चुकी है, मुझे लगता है इतने में हमारा काम हो जाएगा। फटाफट से चलते अपने घर के अंदर और जाके चुपचाप सो जाते हैं। हमारा पोकी बॉय के अंदर हमारा पोकेमॉन सो रहा है और यहाँ पर जाएंगे अंदर। अब फटाफट से अपना बेड ढूंढते हैं। एक सेकंड, अरे वुड खत्म हो गया। अब ये वुड कहाँ चला गया, मैंने इतना सारा वुड का यूज भी तो कर दिया था। फटाफट से जाएंगे और यहाँ पर वुड तोड़ेंगे 1, 3, 5, 6, हमें चाहिए 20 वुड कुछ चाहिए। तो फटाफट से निकाल लेंगे यहाँ पर 20 वुड और हमारा काम हो गया। जल्दी से मेरी लाइट का है, अरे मर जाऊंगा मैं ठंड में, जल्दी जल्दी। और मिल गई। चलो फटाफट से आ जाते हैं अपने घर के अंदर और यहाँ पर अपना बेड लगा देंगे और हम इसके अंदर सो जाए। अच्छा बिल्ड भी करना है, अरे बिल्ड भी करना पड़ेगा, मैंने सोचा डायरेक्ट सो जाऊंगा। जल्दी से इसको बिल्ड करते हैं, 15 सेकंड में बिल्ड हो जाएगा। जब तक गाइस सर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो। और आपने क्या ये पाल वर्ल्ड गेम पहले कभी देखा है, तो देखा है तो किसका देखा है फटाफट से कमेंट करके बताओ। तो फटाफट से डोर करते हैं क्लोज और यहाँ पर सो जाते हैं। और गाइस सर अभी यहाँ पर हो चुकी है सुबह और हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। अबे ये बेड मैंने कहाँ रख दिया, मैं बाहर भी नहीं निकल पा रहा। और अभी हम बाहर आ गए, कितना बढ़िया मैंने घर बनाया। टेम्पररी घर था पर कोई बात नहीं, अभी मुझे कोई अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी सबको रखने के लिए। और गाइस सर हम अपने पोकेमॉन्स को इधर अंदर भी रख सकते हैं, जैसे मेरे पास अभी सिर्फ ये चिकीपी है, ये कुछ काम नहीं करती, तो इसको यहाँ पर हम रख सकते हैं। पर अभी हम इसको अपने पास ही रखने वाले क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जगह है। तो गाइस आज का हमारा गोल है बहुत सारे इन पोकेमॉन्स को पकड़ने का और इसके पकड़ेंगे। अरे मैं अपनी टॉर्च को जला रहा हूँ, अरे भाई सॉरी मैंने कुछ नहीं किया, भाई सॉरी क्या हो गया, ये मुझे मारने आ रहा है।
क्या? नहीं नहीं मुझे मार नहीं रहा। तो फटाफट से देखते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए। एक सेकंड में अभी दो चीजें तो दो बॉल्स अपने लिए अभी मैं बना सकता हूँ। फटाफट से बना लेते हैं पोकी बॉल्स और आज हम अलग जानवरों को पकड़ेंगे, मेरा मतलब है अलग पोकेमॉन्स को। तो यहाँ पर हमारे पास दो बॉल्स हो चुकी है और मैं उनको लेना ही भूल गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम इन दोनों बॉल्स को ले लेंगे। तो अब ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो अब इसको तो नहीं लेने वाले। हमें चाहिए एक तो शीप और ये कैटीवा नाम का आदमी, मेरा मतलब है पोकेमॉन। तो इसके पीछे चुपचाप जाएंगे क्योंकि यार ये भागने लग जाते हैं इधर उधर। तो फटाफट से चलते हैं, चुपचाप आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। इसको मारेंगे और सीधा अपनी पोकेबॉल में डाल लेंगे। इसके पीछे जाएंगे और ये दे बछड़ा, ये ले तेरी तो ऐसी की तैसी, ये ले ये ले। और अपनी पोकेबॉल निकाल के इसको फटाफट से पकड़ लेते हैं। आजा 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 आजा, 85% कैप्चर रेट है, 93% और ये 100, लेट्स गो। हमने इसको पकड़ लिया, हमारा एक और पोकेमॉन आ चुका है कैटीवा। ओए इधर आ, कहां जा रहा है? हां चलो ये मेरे पीछे बेचारा लग गया, तो इसको अपन फटाफट डाल लेंगे। और अब मुझे चाहिए एक शीप क्योंकि तीन अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स होने चाहिए। एक सेकंड, क्या हम इसको ट्राई करें पकड़ने का? 14 लेवल का ये है, पर इसको ट्राई करते। तेरी तो ये ले भागो 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 भागो, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। मेरे पोकेमॉन मेरी मदद कर। अबे ये क्या फेंका इसने? तो फटाफट से इसको मारते, तेरी तो ऐसी की तैसी। एक सेकंड, इसने हमारा पोकेमॉन मार दिया। ए सॉरी भाई, ए हमारी चिक्पी, चिक्पी मारी दिकरी, इधर आ मेरी दिकरी। अबे इनको मैं मारूं कैसे तुम्हारी ऐसी की तैसी? अरे मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, 58 हेल्थ है मेरी, इसको कैसे मारूं मैं? ये ले इसकी हेल्थ कम हो रही क्या? अब इसकी तो हेल्थ भी कम नहीं हो रही। भागो, मर गया। अरे काइजर ये क्या हो गया? मैं तो यहाँ पर मर गया हूँ। फटाफट से वापस से रिस्पॉन करते हैं जहां पर हम मरे थे। किधर मरा हूं मैं? इधर ही मरा ना। लेट्स गो, फटाफट से रिस्पॉन करते हैं। और ये क्या, मेरा सारा सामान, मेरा सामान कहाँ है? ये रहा, ये रहा। अरे मेरा तो सारा सामान ही जा चुका था। अरे फिर से मार दिया। तो काइजर इसके इसने तो मेरे को फिर से मार दिया था, तो मुझे वहां पर जाना चाहिए। चुपचाप से ये बॉल उठा लेते हैं। एक सेकंड, सारी की सारी नहीं ले सकता क्या? ओके मैंने भी सारी चीजें ले ली है। और काइजर एक एक इसकी बहुत ही ज्यादा हेल्थ लो है। आजा आजा, इसको मैं पकड़ के रहूंगा। 23% कैप्चर रेट, बढ़ जा 54, इसकी हेल्थ बहुत कम थी, तो ये हमारे पास आ सकता है। 100%, लेट्स गो, मैंने इसको पकड़ लिया। तो काइजर अभी हमने इसको पकड़ लिया। ये क्या, ये मेरी चिकनी है क्या? अरे भागो यहां से, वो अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो काइजर अभी हम वहां से बच चुके हैं और हमने एक बड़े से पोकेमॉन को भी पकड़ लिया। और ये अंकल कौन है? यहाँ पर हम इनसे लगता है कुछ सामान वामान खरीद सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें, इनको हम खरीद सकते हैं और हम इनको बेच भी सकते हैं, सेल। तो देखिए हम क्या कर सेल कर सकते हैं। 5 पत्थर, हमें 5 पत्थर सेल करने, बताओ कितने में दोगे अंकल? हमें यहाँ पर मिलेंगे 5 गोल्ड कॉइंस। ओके फ्री में दे दो, मेरे को दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर वुड भी हम बेच सकते हैं 2 कॉइंस का नीचे। चलो अंकल बाहर कल आना। एक सेकंड, मेरी चेक भी कहाँ चली गई? परेशान करो, बहुत बढ़िया मेरे पाल। सारा का सारा वुड तोड़ो और मैं सबका सब उठा लूंगा। एक सेकंड, मैंने इसको उठा लिया गलती से। हाँ तुम वुड तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो काइजर ये अच्छी तरह काम कर रहा है। अभी हमारे बाकी दोनों पेट्स की हालत थोड़ी सी खराब है। चिकी पी को हम बुला सकते हैं पर वो कुछ करती नहीं है, बस टाइम पास ही करती रहती है। तो हमारा यही सही है, लकड़ियां तोड़ता रहेगा जिंदगी भर, ये लकड़ियां तोड़ेगा हमारे लिए बहुत सारी। ए लकड़ियां तोड़ना क्या टाइम पास कर रहा है? आजा आजा आजा, लकड़ियां तोड़। हाँ बहुत बढ़िया, इसको हमें बताना पड़ता है कि लकड़ियां तोड़नी है। तो मुझे अभी एक और पोकी बॉल चाहिए। अभी मैं कैटीवा और चिकी पी दोनों को अपने इधर रख देंगे। 10 मिनट का रिस्पॉन टाइम इसको मिलने वाला है। तो अभी मुझे चाहिए एक और पोकी बॉल ताकि मैं शीप को पकड़ सकूं। उसके लिए मुझे चाहिए एक स्टोन, सिर्फ एक स्टोन। ओ अंकल स्टोन है क्या आपके पास? इनके पास स्टोन तो बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी अंकल, कल आना। फटाफट से स्टोन ढूंढते हैं और यहाँ पर हमें अपना स्टोन मिल चुका है, लेट्स गो। फटाफट से एक और पोकी बॉल बनाते ताकि हम एक शीप पकड़ पाए। और ये बनाते हैं इसको फटाफट से, 3 2 1 बन गई। और अब हम उस शीप को पकड़ेंगे। शीप की बच्ची तो रुक जा, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, मुझे शांति से जाना पड़ेगा, धीरे धीरे। अबे ये इधर कैसे आ गया? अबे क्या चाहिए तेरे को? रुक जा शीप। अरे रुक, कैसे भाग रही है? अबे ये मेरे पीछे पीछे ऐसे भागेगा तो वो तो भागेगी ना, इसको मुझे भाग के पकड़ना पड़ेगा। रुक जा, लगता है ये थक चुकी है। इसको फटाफट से मारते हैं चमाटे, ये ले और इसको पकड़ लेंगे। आजा मेरे साथ, कैप्चर रेट 100%, मुझे लगता है इसको मारने की जरूरत नहीं थी। और ये हमारी शीप भी यहाँ पर आ चुकी है। मुझे लगता है एक बार में हम एक ही पोकेमॉन बुला सकते हैं। तो अभी मैं इधर जाऊंगा और हम लैंप बॉल को अपने बेस पर रख देंगे। आ गई हमारी मस्ती शीप और हम इसको
और हम इसको हाथ में भी उठा सकते हैं और उसको थ्रो भी कर सकते हैं। निकल यहाँ से। ओ मुझे लगा बहुत दूर जाएगी तो दरिया के गिर गई। चलिए हमारी बेस की रक्षा कर सकती है वैसे तो। और हम इसको खाना खिला सकते हैं, रिटर्न टू बॉक्स हमें नहीं करना और ये बहुत ही अच्छी है। चलो तो गाइस यार अभी हम वो जगह छोड़कर जा रहे हैं अपनी एक नई जगह पर, जहाँ पे प्लेन जगह, जहाँ पर मतलब आराम से हम जहाँ पर सब सारा काम कर पाए और बीच में ये सब मिलेगा। इनको भी उठा लेंगे पैलेडियम फ्रेगमेंट का। मैं तो बोल रहा हूँ सामने बनाते हैं। शिनचैन मुझे भी यही लगता है सामने बनाना चाहिए। वहाँ पे पूरा का पूरा प्लेन एरिया भी है और यहाँ से मस्त नदी भी जाती है। या तो हम इधर भी बना सकते हैं, फिलहाल तो यहाँ पर एक छोटा सा बेस बना सकते हैं। क्या करा जाए, चलो नदी के पास ही बनाते हैं। यहाँ से अपन जाएंगे सीधा पानी में। और ये क्या चीज है ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पर अभी मुझे लिफमक एफी की कुछ तो मिल चुका है। तो यहाँ पर हम अपना बेस बनाने वाले बढ़िया सा। और उसके लिए हमें फिर से बहुत सारा सामान चाहिए। तो लकड़ी तो मेरे पास अभी है ही फिलहाल। सबसे पहले चाहिए हमें एक पेल बॉक्स, और पेल बॉक्स के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा स्टोन, और सामने स्टोन मिलने वाला है। अरे फेकी मैं, आप ये क्या काम कर रहे हो? एश भैया ने बोला था ना मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। अबे क्या अभी मॉन्स्टर से लड़ूंगा मैं? अभी ये बड़े पोकेमोन से लड़ने में मेरी हालत खराब हो चुकी थी, अभी कहां से लड़ूंगा। तो फटाफट से चलते हैं पेल बॉक्स बना लेते हैं यहां पर। एक सेकंड, मुझे लगता है मैं एक और पेल बॉक्स नहीं बना सकता। कैन नॉट बिल्ड एनी मोर बेसेस। मुझे एक बेस से काम लेना पड़ेगा या फिर उसको हटाना पड़ेगा, डिसेंबल करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? फटाफट से इसको करते हैं यहां पर डिसेंबल। और ये कैसा डिसेंबल था, पूरा का पूरा फटी डाला। तो फटाफट से इसको भी करते हैं डिसेंबल, इसको भी सबको डिसेंबल कर दिया। अब ये चिक मेरी क्या? नहीं मेरी नहीं है। तो यहां पर हमने सबका सब डिसेंबल कर दिया है और डिसेंबली मोड अप कर देंगे बंद। और यहां पर बहुत सारी लकड़ी जो कि मैं उठा नहीं सकता। फटाफट से चलते हैं अपने अगले बेस पर जो कि अभी हमने ढूंढा था। यहां पर अपना पूरा का पूरा बेस रखेंगे। और यहां पर इतनी सारी लकड़ियां किसने रख दी? तो फटाफट से निकालते हैं सबसे पहले पेल बॉक्स जो कि यहां पर बनाएंगे। फटाफट से इसको बिल्ड करते ताकि हम सारे पोकेमॉन्स को बाहर बुला सके और वो हमारी मदद करेंगे बाकी सारी चीजें बनाने में। तो फटाफट से इसको मैंने बना दिया, ये हमें चाहिए बेस पर। और इसको मैं अभी बाहर निकालूंगा और बाहर आ जा। तो गाइस ये आ चुका है, ये हमारी मदद करेगा लकड़ियां वकड़ियां तोड़ने में। अब ये सो क्यों रहा है? अबे ओ अंकल उठ जाओ, मैंने काम के लिए बुलाया है सोने के। ये तो मरा पड़ा है। ओके इसकी हालत तो बहुत ही खराब है, इसकी हालत अभी भी खराब है। तो इसको वापस से भेज देंगे और शीप को बाहर बुला लिया जाए। देखते हैं शीप क्या काम करेगी हमारे लिए। अभी अपने फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं। जैसे कि हमें चाहिए अपने लिए एक बेड। और एक सेकंड, बेड से पहले हमें अपने लिए जगह तो बनानी पड़ेगी। यहां पर हम लगाएंगे वुडन फाउंडेशन 1। और मेरे पास लकड़ियां कितनी पड़ी है? 42 लकड़ियां है। और ये और भी तोड़े जा रहा है तो मैं इधर से भी उठा सकता हूं ऐसे। और यहां पर भी बहुत सारी लकड़ियां हैं और मुझे लगता है मैंने बहुत सारा सामान यहां पर उठा लिया है तो मैं चल भी नहीं पा रहा। तो फटाफट से यहां पर और भी वुडन फाउंडेशन बना देंगे। अबे हट जा, ये कितना धीरे-धीरे चल रहा है। यहां पर और भी वुडन फाउंडेशन, यहां पर और भी वुडन फाउंडेशन। ये बहुत ही ज्यादा मस्त सा लग रहा है। और अब अपना बेड भी बना देते हैं, बीचों बीच नहीं, हां यहां पर बीचों बीच लगाएंगे बेड। और इसको काम करेगी हमारी शीप, आखिरकार कुछ तो काम कर रही थी, देर से टाइम पास कर रही थी। चलो अब हम बनाएंगे अपने लिए एक कैंप फायर क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट से कैंप फायर यहां पर अपनी बन चुकी है। क्या हम इधर बना सकते हैं? यस बना सकते हैं, ये भी हमने बना दिया। इसको अपन फटाफट से बना लेते हैं। हमारी शीप हमारा बेड बना रही है और हम ये कैंप फायर बना देंगे। वो बहुत ही धीरे काम कर रही है पर कोई बात नहीं, चलेगा। और यहां पर अपनी आग भी लग चुकी है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। और गाइस सर हमें अपने और अरे मेरे पर क्यों आग लग गई? और गाइस सर हमें अपने पोकेमॉन्स के लिए भी बेड बनाना पड़ेगा क्योंकि उनको भी तो सोना पड़ता है। तो उनके लिए हमें बेड पहले अनलॉक करना पड़ेगा जो कि है ये रहा। यहां पर हम करेंगे अनलॉक। और इसमें कितने जने सो सकते हैं मुझे बस ये देखना है। तो फटाफट से जाएंगे बेड्स में, स्ट्रॉ पाल पैड हम इसको जमीन पर अपने अपने आसपास ही लगाएंगे, यहां पर लगा देते हैं। ओ मेरी शीप जल्दी जल्दी आओ, काम करो फटाफट से। और मैं सोच रहा हूं एक और बेड यहां पर बनाने का, पता नहीं कितने जने चाहिए, पता नहीं एक बेड पर कितना सोएगा, तो इसलिए दो तीन बना देते हैं। यहां पर अभी बना देंगे 3 और ये आखिरी बना देंगे। एक सेकंड, मेरे पास वुड खत्म हो गया। वुड कैसे खत्म हो सकता है? ए मेरा वो का है पेट, मेरा डायनासोरस वहां पे एकदम बढ़िया काम कर रहा है। डायनासोरस नहीं, पता नहीं क्या नाम है उसका। और यहां पर अभी आ चुका है और ये हमारी शीप बढ़िया चारों के चारों बेड बना देगी। और यहां पर अपन चलते हैं और हमारे दोनों जने ठीक हो चुके हैं बिल्कुल। आओ तुम्हारे को भी बाहर निकाला जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इन सबको एक ही बारी में बाहर कैसे निकाल सकते हैं। ये एक को निकाल दो तो दूसरा चला जाता है, दूसरे को निकाल दो तीसरा चला जाता है। अब ये दोनों काम कर रहे हैं और
वो वुड तोड़ रही थी, तो मुझे तीनों काम एक साथ चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, इनको फटाफट से काम करने देते और जितना वुड हमारे डायनासोर ने तोड़ा था वो सारा का सारा जमा भी कर लेते हैं। लेट्स गो। और गाइस अब बारी आ चुकी वापस से पोकी बॉल्स बनाने की। और एक सेकंड, मैंने अपने लिए वर्क बेंच तो बनाई नहीं, फटाफट से यहाँ पर वर्क बेंच बनाएंगे और इसको मैं खुद ही बिल्ड कर दूंगा। वो बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं और ये हो गया बिल्ड। और यहाँ पर चाहिए मुझे पोकी बॉल्स अपने लिए, चार बॉल्स एक ही बारी में हम बनाएंगे और अपने चार चार पोकी बॉल्स और जमा करेंगे। लेट्स गो, फटाफट से जमा करते हैं। और तू कहाँ आ गया बीच में? चलो बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम अब जाके सो जाओ थोड़ी देर। और अपने लिए और ये चिकी भी पकड़ी जाएगा? नहीं यार, ये चिकन काम की नहीं है, और कुछ पकड़ते आ जाओ। और बाकी जनों को हम डाल देंगे अपनी पोकी बॉल्स में। ये आ गया पोकी बॉल्स में। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं और कुछ नया ढूंढते हैं। मेरे पास ये तो है ही, क्या हमारे पास और कोई पोकेमोन हमें मिलने वाला है? एक सेकंड, यहाँ पर एक हमारे लिए मिशन आ रहा है, पांच शीप हमें पकड़नी है। और ये कहाँ गिर गया मैं? और मुझे इसके ऊपर छत पे डालनी है, बिना छत के हमें ये सोने नहीं देगा। तो फटाफट से यहाँ पर अपने को चाहिए होगी एक छत, यहाँ पर लेके जाएंगे। इधर हमें चाहिए वुडन वॉल रूफ, वुडन रूफ यहाँ पर लगा देंगे और एक और रूफ लेके यहाँ पर लगा देंगे। एक सेकंड, हमारा बेड थोड़ा सा इस तरफ है तो हमें एक और लगानी पड़ेगी और हमारा वुड खत्म हो गई। वेरी गुड, यहाँ पर बहुत सारी वुड हमारे वो डायनासोर वाला जैसा पोकेमोन है उसने पकड़ रखी, तो इसको उठाते हैं, वुडन रूफ लेके यहाँ पर लगा देंगे और एक और वुडन रूफ लेके यहाँ पर लगा देंगे। लेट्स गो, पूरा डन हो चुका है। और ये आग मैंने सोचा बाहर लगानी चाहिए थी, वरना मैं बार बार इसमें जल सकता हूँ। तो गाइस अभी रात होने लग चुकी है और मुझे थोड़ा सा खाना भी चाहिए, तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं अपने लिए खाना। लेट्स गो। ओ ये क्या, ये पैन कहाँ से आ गया? पैन में क्या घर से लेके आया था? और यहाँ पर अपना ये बन चुका है, देखते हैं कैसा लगने वाला है। ये रहा, ये आ गया, इसको फटाफट से खा लेते हैं। मेरे डायनासोर को खिलाऊं, कैटीवा को खिलाऊं या खुद खाऊं? ऑब्वियसली खुद खाने वाला हूं। और ये खा लिया, एनिमेशन नीति पर मैंने खा लिया। अब फटाफट से सो जाते हैं, सीधा सुबह उठेंगे। और गाइस अभी सुबह हो चुकी है, आज हमारा डे 3 और हमारा बेस थोड़ा अच्छा सा दिखने यहाँ पर लग चुका है। सबसे पहले जाकर हम बुलाएंगे हमारे डायनासोर को जो की मदद करेगा लकड़ियां तोड़ने में, और कैटीवा को भी यहाँ पर बुला लेते हैं बाहर। कैटीवा जी फटाफट आ जाइए बाहर और कुछ तो करिए, मुझे नहीं पता क्या करेगा। फटाफट जाएंगे टेक्नोलॉजी में, देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। यहाँ पर हम एक वुडन चेस बना सकते हैं और अपने लिए एक बो बना सकते हैं। ओके, ये बढ़िया लग रहा है, इसको फटाफट से खोल लेते हैं। और एरोस तो चाहिए ही साथ में, ये भी अच्छा है। और ये स्ट्रक्चर, ये चेस्ट भी खोल लेंगे और वर्क बेंच भी। अभी मैंने बहुत सारी चीजें खोल ली है, अब इनको फटाफट से बनाते हैं ताकि हमारी और मदद हो सके और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़ने में। सबसे पहले एरोस तो मैं बना ही सकता हूं। मुझे चाहिए वुड, मुझे चाहिए स्टोन और मुझे चाहिए फाइबर। वुड तो हमारा काम बढ़िया कर ही रहा है, स्टोन हमारा सामने है ही, फाइबर के लिए हमें एक दो वूल मारने पड़ेंगे। यहां से अपन फटाफट से उठा लेते हैं स्टोन्स, 1 2 3 4 4। अरे ये तो ओर है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये तोड़ना पड़ेगा। वो ओर अभी हमें नहीं चाहिए, अभी पता नहीं क्या काम आएगा। इसको फटाफट से तोड़ते ताकि हमें स्टोन मिल सके। बो और एरो बना लेते हैं, यहां पर जाएंगे बो क्राफ्ट। ए चल फटाफट से काम पे लग जा। और ये यहां पर काम पे लग चुका है, इसके साथ साथ मैं बनाऊंगा तो जल्दी बन जाएगा। चलो चलो चलो, हमारा बो बनने वाला है, इसके बाद हम अपने एरोस बनाएंगे ताकि हम दूर से किसी भी पोकेमोन को मार सके, हरा सके। यहाँ पर हमारा ये मिल गया, अब थोड़े से एरोस भी बना लीजिए। कितने एरोस बनाए? मेरे ख्याल से 10 एरोस बहुत होंगे। चलो इनको फटाफट बनाते हैं, आजा फटाफट से काम पर लग जा। ओ 30 एरो मिलने वाले, मैंने 10 सेलेक्ट किए थे पर मुझे 30 एरोस मिलने वाले और एक बार में तीन तीन बनेंगे। चलो फटाफट से इनको बनाते हैं और फिर अपना बो एरो कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर चेस्ट भी बन चुकी है, इसमें अपना सामान रख सकते हैं, कुछ भी जो चाहे ये सहारा रख दो। पर अभी थोड़ी बहुत चीजें तो अपने पास रखनी चाहिए, कुछ काम वाम आएगी। गोल्ड कॉइन सब इसमें रखने वाले, बो हमारे पास आई चुकी है और यहाँ पर हमारे एरोस भी लगभग बनने ही वाले हैं। बस ये तीन बचे, इनको फटाफट से बना देते हैं और ये बन गए। तो गाइस सारे के सारे एरोस भी हमारे पास आ चुके हैं। का है मेरा बो एरो? एक सेकंड, मैं इसको यूज क्यों नहीं कर पा रहा? ओके, हमें एक चीज हटानी पड़ेगी इसके लिए, तो अभी हमने ये हटा दिया एक्स। और यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बो एंड एरो आ चुकी है। ऐसे निकालो और खींच के मारो और वो एरो गायब हो जाएगा। ओके, अगली बार यूज करना, ढंग से यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने गलती से गायब कर दिया। अबे क्या हो गया इसको? अरे किसी को नहीं मार रहा, मैं टाइम पास कर रहा था। ये तो हमारा भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया पोकेमोन है। ओ एक सेकंड, वहां पर चेस्ट दिख रही है। चेस्ट चेस्ट चेस्ट, मैं आ रहा हूं, मेरी चेस्ट। दूर से मुझे यहाँ पर चेस्ट दिख चुकी है, तो फटाफट से चलते हैं, देखते क्या मिलने वाला है इस चेस्ट में। ब्रेड, गोल्ड कॉइन और मेडिकल सप्लाईज। ओके दिस इज नाइस, यहाँ पर हमें बहुत सारा सामान यहाँ पर मिल चुका है। अभी अपने पूरे
घर को कंप्लीट करने वाले, मतलब हर जगह से बंद करने वाले हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे, एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ अपने घर को फिर आगे बड़ा ही कर दिया जाए ना, या अभी कंप्लीट क्यों करें। ओके, अभी अपने घर को बड़ा करने पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सा वुडन फाउंडेशन और लगाएं क्या, और लगा देते हैं। लकड़ियों की कमी नहीं है यार, लकड़ी हमारी इतनी ज्यादा लकड़ियां तोड़ता है ना ये। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर टाइम पास करने देते हैं। अभी अपना काम करते हैं फटाफट से। वुडन विंडो वापस से, यहाँ पर भी विंडो वाली, और यहाँ पर नॉर्मल, और यहाँ पर एक और गेट वाली बनाएंगे, क्योंकि एक ही गेट तो यार बार बार ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी, डन। तो गाइस हमारा पूरा का पूरा घर बन चुका है। इसे ऊपर बंद करना मैं भूल गया। इसको यहाँ पर लगाएंगे और एक और यहाँ पर चाहिए। एक सेकंड, फिर से मटेरियल खत्म हो गए। और गाइस अभी अपने घर के ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से जंप करके इधर यहाँ पर लगा देंगे एक बढ़िया सी रूफ, और ये कंप्लीट आखिरकार। अबे पता नहीं क्यों डांस कर रहा है, क्यों खुश रहा है, इधर आ तू, अंदर आके बैठ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो सारा का सारा सामान हो चुका, मेरे पे आग लग गई। हमने अपने बेस को कंप्लीट कर दिया, बस वो दो जो हमारे सामान बाहर पड़े इनको उठा के फटाफट से अंदर कर देते हैं। ये क्या अवस्थी, फटाफट से इनको तोड़ देते हैं ताकि हम इनको अंदर लगा पाए। अबे ये क्या है चाचा, घर जाओ ना, अपने क्यों परेशान कर रहे हो। चलो फटाफट से चलेंगे अंदर और इसको करते हैं गेट को बंद। दोनों गेट हो गए हमारे बंद और हमें दोनों सामान अपने यहाँ पे रखने पड़ेंगे, और बहुत बढ़िया, मैं इधर रख ही नहीं सकता, भारी सही था मैंने, मतलब फालतू में लेके आया यार, क्यों तोड़ा उसको। वर्क बेंच तो कम से कम यहाँ पर रख सकते हैं, तो फटाफट से वर्क बेंच रख देते हैं इधर, और रिपेयर बेंच भी रख सकते हैं, उसको रख देंगे इधर। लेट्स गो, फटाफट से इन दोनों को बनाते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। आज तो हमने बहुत सारा काम कर लिया। हाँ शिनचैन, आज हमने बहुत सारा काम किया, हमने चार चार पांच पांच पोकेमॉन्स पकड़े, अपना इतना बढ़िया सा बेस बना दिया जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और हमारी ये दो दो बेंचेस भी आ चुकी है, 10 सेकंड इसको लगने वाले हैं। तो गाइस जब तक आप कमेंट करके बता दो कि हम अपने बेस पर और क्या क्या अपग्रेड करें, तो गाइस जब तक आप कमेंट करके बता दो कि अपने बेस में और क्या क्या करें जिससे ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। और फटाफट से पेल बॉक्स भी रख दिया जाए, कहां पर रखे, इधर रख देते। लेट्स गो, ये हमने यहाँ पर रख दिया, इसको फटाफट से बिल्ड करते। तो गाइस कोई भी आपके पास सजेशन हो हमारे बेस को अपग्रेड करने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं इस बाल वर्ल्ड में, फटाफट से बता देना। हमें उस खतरनाक से मॉन्स्टर से लड़ना है और उसको हम हरा के रहेंगे। ऐश और पोकेमॉन से मैंने वादा किया है, उसको हम कंप्लीट करके रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। हमारा बाल वर्ल्ड की जर्नी हो चुकी है यहाँ पर शुरू, और हम इस बाल वर्ल्ड की दुनिया को बचा के रहेंगे। तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड सिस्टम में वहां पर जाके ज्वाइन और फॉलो करना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।